हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो सेशन है उसका टॉपिक रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी यूपी की तरफ से एक पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर एनालाइज्ड फूड सैलरी स्लिप 2024 के बारे में। आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी होगी इसके बारे में आज हम हमारी वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को समझते हुए, जानते हुए आपके अमाउंट के बारे में और आपके डिडक्शन के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इसी तरह की सैलरी स्लिप वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहें, जिससे आपको सुविधा मिले, आपको हर चीज़ जानने का अधिकार है तो वो आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पोस्ट है जूनियर एनालाइज्ड फूड की। ठीक है, सबसे पहले बात करें ग्रेड पे तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है जिसका पे बैंड है 9300 से लेकर के 34800। लेवल होगा इसका 6 लेवल पर ये जॉब रहने वाली है। इसके बाद में है बेसिक पेमेंट, इसका होगा 35400 से लेकर 112400 रुपये। यानी स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी होगी 35400 रुपये और प्रमोशन के टाइम तक आपकी हो जाएगी 112400 रुपये तक की सैलरी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे चैनल पर यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या और भी जो अन्य स्टेट होते हैं इन पर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उस पोस्ट के ऊपर हम सैलरी स्लिप का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और साथ के साथ सैलरी स्लिप के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि आपकी जो पोस्ट है जूनियर एनालाइज्ड फूड, इसके अमाउंट के बारे में कि किस तरह से आपको क्या अलाउंसेस मिलेंगे। सबसे पहले बात करें बेसिक सैलरी, इसमें मिलेगी 35400 की। डीए आपका 50% के अकॉर्डिंग होगा 17700 रुपये का। उसके बाद में एचआरए हो जाएगा आपका 4040 रुपये का। टीए हो जाएगा आपका 3600 रुपये का। इसके अलावा डीए ऑन टीए होगा आपका 1800 रुपये का, डीए ऑन टीए हो जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि आपको हर महीने जो आपका रेंट पे आप कोई भी घर लेंगे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। डीए महंगाई भत्ता होता है जो आपकी सैलरी को 50% के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। ये महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती है 3-4% के रेशियो में बढ़ता है तो आपकी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा देगा ये। अब हम बात करते हैं एनपीएस की। इसमें आपके कुछ डिडक्शन यानी आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटने वाला है। सबसे पहले एनपीएस कटेगा 5310 रुपये का। सीजीईजीआईएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके लिए आपको प्रीमियम मनी 150 रुपीज़ का पे करना रहेगा हर महीने। पर घबराइए मत, ये जो पेमेंट है आपका कट रहा है ये सेफ मनी के रूप में, आप जब रिटायर होंगे तब आपको सेफ मनी के रूप में मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन आपका हो जाता है 5460 रुपये, यानी 5460 रुपये का। तो ये 5460 रुपये आपके 62540 जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो बाकी जितने पैसे बचेंगे माइनस होने के बाद वो आपकी होगी टोटल नेट सैलरी, यानी आपकी हर महीने
जो इनकम होगी, जो सैलरी आया करेगी सरकार की तरफ से, वो होगी 57,080 रुपए की। हर महीने आपकी अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हुआ करेंगे, तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है। फैसिलिटीज़ अच्छी है, अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं और इसका लेवल भी शानदार है, 6 लेवल। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये पूरा डाटा ऑथेंटिक है और मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताई है। तो मेरी इस मेहनत को देखते हुए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।